इसके अंदर है वो मम्मी जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए थे। ऐसा लग रहा है कि कोई जीता जागता इंसान बैठा हो सामने। ये देखिए गाइस, The touch of yours is what I've been looking for. Will you say my name? I just wanna feel you more. So hello guys, welcome back to my YouTube channel. तो अभी हम निकल रहे हैं ग्यू मोनेस्ट्री की तरफ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आ गया है ग्यू मिनिस्ट्री के लिए कट। मैं आपको बता दूं, ये जो लेफ्ट में कट जा रहा है, यहाँ से लेफ्ट ये जा रहा है काजा की तरफ, और जो हम जाएंगे राइट तो ये जा रहा है ग्यू मिनिस्ट्री की तरफ। तो हमें लेना है यहाँ से राइट, जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर जाना और फिर वापस 8 किलोमीटर आना। तो हमें वापस इसी कट पर आना पड़ेगा जो कि हम काजा की तरफ जिससे जा पाएंगे, क्योंकि हमें आज का स्टे तो काजा की तरफ ही है। तो अब चलते हैं ग्यू मिनिस्ट्री की तरफ। रोड थोड़ा खराब है ग्यू मोनेस्ट्री के लिए, क्योंकि ये तो प्रॉपर एक जो ग्यू विलेज है ग्यू मोनेस्ट्री, वहाँ के लिए आता है कोई ऐसा, कोई यहाँ से कोई दूसरी जगह कनेक्ट नहीं होता ये रोड, इसलिए इसको इतने ढंग से नहीं बनाया हुआ है। तो बस यहाँ से 5 किलोमीटर और मैं आपको दिखाता हूँ जो 1000 साल पुरानी मम्मी जो उसमें बॉक्स के अंदर उसको रखा हुआ है। यार ऐसे लग रहा है पता नहीं कहाँ ही आ चुके हैं, क्योंकि मतलब जो ये टेरेन है ना, बिल्कुल जैसे हॉन्टेड नहीं होता, हॉरर। क्योंकि रोड भी देखो अजीब लग रहा है, मतलब बादल, काले बादल, काला रोड, काली नदी, मतलब ये जो रिवर साथ में वेरियस का कलर काला है यार, लिटरली काला है, रोड भी काला है, मतलब ग्रेइश कलर है, मतलब डार्क ग्रे। देखो आजू बाजू में मतलब ऐसे कुछ पॉजिटिविटी तो है ही नहीं, लेकिन क्या करें, जाना ज़रूरी है, आपको दिखाना है यार मम्मी मम्मी। तो यार आप इंजॉय करो इस रोड को, शायद आप कर पाओ, क्योंकि हमें तो थोड़ा डर लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ना हमारे आगे गाड़ी ना कोई पीछे गाड़ी है, और ना ही ये सीज़न है घूमने का, क्योंकि जस्ट लॉकडाउन के नेक्स्ट डे ही हम यहाँ पे आ गए थे हिमाचल में, तो ऐसा कोई टूरिस्ट हमें दिखा नहीं है दिल्ली से। आने में अभी 2 किलोमीटर और नज़ारे देखो यार यहाँ के, अचानक ग्रीनरी आ गई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ऐसे ग्रीनरी देख के इतनी हाइट पर। ग्यू विलेज आ चुका है और थोड़ा सा आगे जाके वो मम्मी फाइड है जहाँ पे वो मम्मी बनी हुई है। तो अभी हम यहाँ से वहाँ का जो मोनेस्ट्री उसकी चाबी लेनी पड़ेगी किसी से। पूछा कि खुलेंगे क्या? हाँ सही में, हाँ चाबी लेनी पड़ती है गाँव वालों से। क्या बात कर रहे हैं, यहाँ कोई बंदा नहीं है? वहाँ कोई नहीं होगा, अभी कितने लगेगा। तो यार ये ग्यू विलेज में आ चुके हैं और यहाँ पे हमें जो है मोनेस्ट्री की जो की होती है, क्योंकि वो लॉक रहती है, जाने के लिए चाबी लेनी होती है यहाँ पे। तो वही हम पता कर रहे हैं कि भाई वो कीज जो है वो किसके पास मिलेंगी। ये है ग्यू मोनेस्ट्री और सर्दी बहुत है यहाँ पे, माइनस में टेम्परेचर होगा, सर्दी है भाई बहुत ज़्यादा। देखो नज़ारा देखो यार, क्या मोनेस्ट्री है, कितनी प्यारी बनाई हुई है, इतनी प्यारी। तो आ चुके हैं मोनेस्ट्री के पास। अभी गांव वालों ने बताया कि कोविड की वजह से मोनेस्ट्री बंद करी हुई है। इसके अंदर है वो मम्मी जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए थे। मैं आपको यहाँ शीशे से थोड़ा बहुत दिखा सकता हूँ अगर कुछ मिले तो। ये देखो गाइस, ये वो मम्मी है, इसके अंदर, काश हम इसको अंदर से देख पाते यार। ये देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा हो वो सामने, ऐसा लग रहा है कि कोई जीता जागता इंसान बैठा हो सामने। ये देखिए गाइस, प्लीज सपोर्ट करो दोनों को,
आपके लिए आए हैं यहाँ पे, पूरी कोशिश करी आपको दिखाने के लिए, बट बंद है, कुछ कर नहीं सकते, रूल्स आर रूल्स, बट आना वेस्ट नहीं किया। क्यों आमिर, कैसी वाइब्स है यहाँ पे भाई? बहुत मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पे आके ना। तीन फ्लोर ऊपर खड़े हैं हम यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ, पूरा बंद है यहाँ पे, मॉनेस्ट्री सारी बंद है, और ऐसी वाइब्स है यहाँ खड़े होने के बाद, जो व्यू है ना, आप सोचोगे यहाँ आऊँ बस यहीं का हो जाऊँ। Oh, light the blaze again that stood alive for ages. Breathing in the lies that keep me open from the truth that keeps me holding on. Holding on to your lies. Where do you think you'll find me when you destroy it? Is निकलते हैं यहाँ से ह्यू मिनिस्ट्री से, और अब जाना है हमें सीधा काजा, और रास्ते में हम मैगी खाएंगे, रास्ते में बना के वो आपको दिखा देंगे, और फिर सीधा, मेरे को लगता नहीं है हम दिन दिन में काजा पहुंचेंगे, रात तो हो ही जाएगी, तो अब चलते हैं सीधा काजा और वहीं मिलते हैं, मतलब बीच में भी मिलेंगे। तो गाइस चलो फिर काजा की ओर, मैगी बनाने के लिए उतरे हैं हम, और मैं आपको जगह दिखा दूंगा ना जहाँ पे हम मैगी बना रहे हैं। आप इतनी प्यारी जगह, इतनी प्यारी जगह, ये देखो यहाँ पे बनाने वाले हैं मैगी, यहाँ बैठ के बनाएंगे हम मैगी। साहिल भाई खान सामा हमारे साथ तैयार हो चुका है, खान सामा, और जब यहाँ बनेगी मैगी, तो ये छोटा सा कोपचा बोल सकते हैं हमें मिला है, इस कोपचे के अंदर मैगी बनाने का सोच रहे हैं, और पूरा सेटअप करते हुए हमारे यहाँ पे मास्टर शेफ और आमिर, वॉयजर आमिर ने वाटर कूलर में से पानी भरते हैं मैगी बनाने के लिए, और अभी चलते हैं उस लोकेशन पे, मैगी बनाएंगे, खाएंगे, एक नंबर एडवेंचर होगा। फाइनली मिल गई जगह, अब बर्तन कौन धोएगा? तो यार कल जो मैगी खाई थी वो बर्तन थोड़े गंदे हो रहे हैं, उन बर्तन को धो लेते हैं यहाँ पे एक बार इस पानी में। तो वॉयजर आमिर यहाँ पे अपने बर्तन को धोते हुए, असली एडवेंचर बाबा, क्या बोलते, मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है भाई, मजा आ रहा है? ये देखो जी, टाइट बिल्कुल साफ, पानी इतना ठंडा है भाई साहब, लास्ट स्टडी। ग्यू विलेज में आपको चीज दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिली है, आप ये देखें यहाँ पे चक्की से, चक्की अंदर चल रही है और उससे सत्तू बन रहा है। किसका बन रहा है सत्तू? जौ का, जौ, जौ का सत्तू बनाया जा रहा है, वो मशीन चल रही है ये देखिए, और सबसे बड़ी बात ये कि ये ना तो किसी बिजली से चल रही है, ना बैटरी से चल रही है, ये चक्की चल रही है पानी के प्रेशर से। मैं आपको दिखाता हूँ पानी कहाँ से आ रहा है, देखो ये नेचुरल पानी यहाँ से आ रहा है और से चक्की चल रही है, पानी यहाँ से गिर रहा है और अंदर चक्की चल रही है, अंदर टरबाइन बना हुआ उससे, और ये वो आंटी हैं जो ये बना रही हैं, जो बीइंग हिमांशी यूट्यूबर हैं बर्तन धोते हुए। तो अगर आप ट्रैवलर और यूट्यूबर बन रहे हो, अगर आप ट्रैवलर और यूट्यूबर बन रहे हो, तो ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा यार। तो गाइस मैगी हमारी बन रही है, और लोकेशन आपको दिखाई दी थी मैंने, तो ये सारा और अभी आपको मैं टाइम लैप्स दिखाता हूँ जो हमारा मैगी वगैरह बन रहा है। तो यार मैगी अपनी बन चुकी है, और लोकेशन ऐसी है कि मतलब क्या बताऊं मैं आपको, मैगी हमने खा ली है, बहुत मजा आया मैगी खा के, लोकेशन कितनी प्यारी है, मतलब यहाँ आके मैगी खाओ, खुद बनाओ, घर से सिलेंडर लेके आओ, मैगी बनाओ, और क्या चाहिए। अब हम निकल रहे हैं काजा, तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देता हूँ।
क्योंकि अभी काजा जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जो कि सीधा होगा काजा के लिए। तो यार आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई फीडबैक आपको देना हो मैं ज़रूर उस पर काम करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए। सोचा था वही हुआ, हमने सोचा था कहीं बारिश ना हो जाए क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है। ये देखो कितना बुरा हाल है। Yeah.